नमस्कार, मैं विशांत और आप देख रहे हैं मोटर्स एंड मोर। आज की इस वीडियो में मेरे पास है टीवीएस का एंड्रॉइड 125 सीसी और इस स्कूटर को 1 लाख से नीचे का हो या 125 सीसी के सेगमेंट में को उस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल और स्टाइलिश स्कूटर बोला जाता है। तो उसी के लिए आज मैं भी स्कूटर को अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ कि इसकी हैंडलिंग, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, पावर्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन कैसा है। बट लेकिन सीधा टेस्ट करने से पहले, जैसे कि हमेशा हर एक वीडियो में क्या करता हूँ, आपको पहले इसका डिजाइन दिखाऊंगा और डिजाइन दिखाते हुए सबसे पहले इसके फ्रंट डिजाइन को लेकर के बात करूंगा। सब फ्रंट में आप जो देखेंगे, सबसे पहले इसके मिरर्स का कलर ब्लैक रखा गया है। बट ये देखने में मैं ज्यादा सिंपल भी नहीं बोलूंगा और ज्यादा स्टाइलिश भी नहीं बोलूंगा इनको। और वहीं पे अगर मैं इसके वाइजर पे आऊँ तो वाइजर पर यहाँ पर एक ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको एक छोटी सी विंडशील्ड मिलेगी। वहीं पर ये बॉडी कलर्ड है और प्लास्टिक की बात करूँ तो ये काफी हार्ड प्लास्टिक है। वहीं पर यहाँ पर ये इंडिकेटर्स में मुझे काफी अच्छा सा डिजाइन है और उसमें हैलोजन बल्ब मुझे दिखाई पड़े। और अब वाइजर के नीचे की बात करो तो वाइजर के नीचे आप जो ये सबसे पहली चीज देखेंगे, इसका जो बॉडी पैनल है ये भी ग्लॉसी ब्लैक कलर का रखा गया है, जहां पर आपकी नंबर प्लेट लगती है। और वहीं उसके नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो आपने अब तक देख ली होगी इसके DRLs, और इसके DRLs की शेप यहाँ पर ये वी शेप और ये पूरी की पूरी टी शेप है। और ये थोड़ा थोड़ा इसके ऐसे लगते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स जो मूवी है उससे इंस्पायर्ड हो। और इसके जो अगर LED के मैं बल्ब की बात करूँ तो इसमें हैलोजन बल्ब नहीं है, इसमें LED बल्ब ही मिलते हैं, जो अच्छी बात है। वहीं अगर मैं इसके बॉडी पैनल्स की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी मुझे काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी है और ये कुछ पैनल्स हार्ड भी हैं। वहीं अगर मैं इसके नीचे आ जाऊँ तो नीचे इसका ये मडगार्ड की क्वालिटी ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है तो प्लास्टिक के हिसाब से तो क्वालिटी ठीक है। इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो ये टेलीस्कोपी रखा गया है, और आज के टाइम में अगर आप जितने भी स्कूटर्स देखेंगे सभी में टेलीस्कोपी ही रखा जा रहा है। ब्रेक्स की बात करूँ तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। टायर साइज की बात करूँ तो इसमें आपको 12 इंच का टायर मिलेगा। और इसका अलॉय का डिजाइन भी मैं आपको दिखा दूँ तो इसका थोड़ा अलॉय का डिजाइन भी थोड़ा स्टाइलिश सा है। अगर आप स्कूटर्स में देखें तो सिंपल से होता है, इसमें ऐसे नहीं है, तो थोड़ा सा अलॉय का डिजाइन भी स्टाइलिश रखा गया। और अब फ्रंट के बाद लेफ्ट साइड के डिजाइन की बात करते हैं। और जैसे कि ये रेस एडिशन वाला है तो वो रेस एडिशन के आपको यहाँ पर बैजिंग और ये रेस एडिशन वाला ही फ्लैग, और वहीं आपको 125 की जो बैजिंग है उसके साथ भी ये रेस एडिशन वाला फ्लैग, और नीचे वहाँ पर ये TVS की बैजिंग। और ये जो इसका नीचे का पैनल है इसका डिजाइन भी काफी स्टाइलिश रखा गया है, काफी एरोडायनामिक से कट्स वगैरह हैं इसमें, एजेस हैं। बट ये बिल्ड थोड़ा मुझे ऐसा ही लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी में मुझे इसका हल्का सा डाउट है, ज़्यादा नहीं है। बट चलिए अब इधर की बात करते हैं। तो इधर भी ये जैसे रेस एडिशन, तो रेस एडिशन का फ्लैग एंड और की बैजिंग, और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो ये काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। नीचे इसमें ये इसका इंजन में 3 वॉल्व है तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी 3 वॉल्व। नीचे जो इसका इंजन का पार्ट है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी स्टाइलिश सा रखा गया। और अब लेफ्ट साइड की डिज़ाइन के बाद इसके रियर के डिज़ाइन की बात करते हैं। रियर में सबसे पहले ये ग्रैब हैंडल्स, और ग्रैब हैंडल्स को भी काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है। और मैं इसके अगर पकड़ने की बात करूँ कि इसमें स्पेस कितना ही या कैसे ग्रैब हो पाएगा, कितना ग्रैब हो पाएगा, तो इसमें ग्रैब करने के लिए तो मुझे काफ़ी स्पेस है। अगर मैं इस पर पीछे बैठा हुआ तो अच्छे से मुझे ग्रैब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिंगर का आपका कुछ भी साइज उसमें स्पेस है कि आप आराम से इसे ग्रैब कर सकते हैं। वहीं पर इसमें आपको ये ऊपर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ये साइड में की लगा करके ओपन हो जाएगा। बट अगर जो इसका ये फ्यूल टैंक है ये यहाँ की वजह से, अगर ये इसका मेन स्विच से ही ओपन हो रहा होता तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता आपके लिए। बट कोई नहीं है, ये यहाँ से ओपन हो रहा तो आपको की यहाँ पे लगानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको सीट से नीचे उतरना पड़ेगा। बट अब इसके अब आते हैं इसके नीचे। नीचे अगर मैं इसकी टेललाइट की बात करूँ तो उसका डिज़ाइन भी यहाँ पर वैसे ही फ्रंट की तरह ट्रांसफार्मर मूवी से इंस्पायर्ड रखा गया। और इसकी जो जो टेललाइट है ना, उसका डिज़ाइन मैंने किसी और स्कूटर में ऐसा नहीं देखा कि जो DRLs होते हैं उस तरह का रखा गया हो। और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्टाइलिश है, और ये यूथ को काफ़ी इंस्पायर्ड भी करता है। वहीं नीचे इसमें जो देखेंगे कि जो क्या होता है स्कूटर में बड़ी बड़ी लाइट होती है ना, उसकी जगह यहाँ पर लाइट नहीं है, बट यहाँ पर प्लास्टिक के पैनल्स हैं। और ये कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कि ये एयर इंटेक के लिए हों, और एंटोर के इंडिकेटर्स के साथ भी ऐसा ही। रेयर में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे हैं जिस तरह बाइक्स में होता है कि अलग से दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब आप स्कूटर्स में देखेंगे तो इसका जो टेललाइट होती है बड़ी सी, उसी के साथ इनको भी साइड में इंडिकेट कर देते हैं। बट इसमें ये अलग से हैं और ये पूरा दिखाई पड़ रहा है कि ये अलग ही पार्ट है, ये किसके टेललाइट से बिल्कुल अलग पार्ट है। और अब इंडिकेटर्स के बाद बात करते हैं इसका जो ये नंबर प्लेट वाला पैनल है, जिसको मडगार्ड भी बोल सकते हैं, उस पर आपको ये एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर यहाँ पर और ये नंबर प्लेट लगने की जगह। और इसकी क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। और चलिए अब रियर के बाद इसकी राइट साइड के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। राइट साइड में सबसे पहले इसका साइलेंसर का डिज़ाइन पूरे स्कूटर के डिज़ाइन के साथ मैच कर रहा है। बट इससे पहले मैंने बर्गमैन का जो किया था रिव्यू, मुझे थोड़ा सा अगर मैं कहना यही चाहूँगा कि मुझे बर्गमैन का थोड़ा इससे डिज़ाइन अच्छा लगा था। बट उसके साथ क्या था, उसमें आपको प्लास्टिक के पैनल्स मिल रहे थे, मतलब कि अगर आपके स्कूटर पर हल्का सा भी कोई इंपैक्ट होता है उसके पैनल्स टूटने के चांसेस हैं। बट इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा इसको स्टाइलिश भी रखा गया और ये मेटल के साथ दिया गया। इसकी पूरी की पूरी बिल्ड जो है वो मेटल के साथ है, इसमें सारे के सारे मेटल पार्ट्स हैं और इसके टूटने के चांसेस कम है प्लास्टिक पैनल्स के मुकाबले। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके व्हील के ऊपर के ये मड प्रोटेक्शन की, तो ये भी इसमें आपको यहीं पर प्रोटेक्शन दी गई है और ये काफ़ी व्हील से क्लोज रखी गई है। वहीं पर मैं बात करूँ इसके व्हील साइज की, तो क्या होता है स्कूटर्स में आप देखेंगे कि फ्रंट में तो आपको 12 इंच का दे दिया जाता है, बट पीछे जब रियर की बात आती है तो वहाँ पर 10 इंच का लगा के दे देते हैं।
बट एंटोर्क के साथ ऐसा नहीं है, एंटोर्क में आपको रियर में भी 12 इंच का व्हील मिलेगा और इसका टायर सेक्शन भी थोड़ा और स्कूटर से अच्छा है, मतलब आपको 100 या 90 सेक्शन का मिलता है बट इसमें 110 सेक्शन का मिलता है, जो कि मुझे देखने में अच्छा लग रहा है कि टीवीएस अपने स्कूटर में अच्छे टायर लगा के दे रहा है। वहीं अब नीचे से अगर ऊपर बॉडी पैनल्स की बात करूँ तो बॉडी पैनल्स तो आपको ऑब्वियसली ऐसे ही मिलने वाले हैं जैसे लेफ्ट साइड पर थे, बट एक और चीज़ जो इसका जो फुटरेस्ट है उसका भी डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश रखा गया, मतलब कि इसका इस स्कूटर में आप कोई भी पैनल देख लो वहीं पर अच्छे से काम किया गया। मैं यही कहना चाहूँगा इसके डिज़ाइन के बारे में कि इसके आप ग्रैब हैंडल, पीछे रियर लाइट, इसका साइलेंसर, इसके या इसके फुटरेस्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से काम किया गया और ये सिल्वर कलर का दिया गया जो कि देखने में मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं इसके सीट साइज की बात करूँ तो सीट साइज के मामले में आप देखेंगे अगर और स्कूटर्स में आपको थोड़ी सी बड़ी सीट मिल सकती है, बट मैं अगर एक एवरेज बंदे की बात करूँ, मतलब जो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे उनके लिए ये स्कूटर सीट काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, इस पर दो लोग आराम से आ सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि आप ज़्यादा हेल्थी या ज़्यादा मोटे ना हो। और इसका ये जो ये फ्यूल टैंक है और जो इसकी सीट है, इसको ओपन करने के लिए आपको इसके लेफ्ट साइड वाले पैनल में चाबी लगानी पड़ती है, जो कि मुझे थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर वो और स्कूटर्स की तरह इसका जो मेन स्विच है उसी से अगर ये सब काम हो रहा होता तो अच्छा था, बट अगर आप इसको राइट साइड घुमाएंगे तो इसकी सीट ओपन हो जाएगी। और सीट ओपन करने के बाद मैं देख लेता हूँ इसमें कितना स्पेस है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको एक छोटी सी लाइट भी दी गई है, यानी कि अगर जब आप अंधेरे वगैरह की कंडीशन में होंगे, लाइटिंग नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं आपके इसमें सीट के नीचे क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले मैंने इसमें अपना एक हेलमेट रख दिया, हेलमेट के बाद जैसे कि मैं रखा करता हूँ, और अब हेलमेट के बाद हमेशा की तरह जो मैं अपनी 1 लीटर की बोतल रखा करता हूँ वो भी रख के देख लेता हूँ, तो वो इसमें आ गई है। और ये 1 लीटर की बोतल एक्सेस में नहीं आ पाई थी, अगर आपने एक्सेस वाली वीडियो देखी होगी उसकी भी मैं लिंक आपको उस पर आई बटन में दे ही दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और उसके बाद मैं बैग रखने की कोशिश करूँ तो बैग तो नहीं आता, यानी कि या तो आप इसमें 1 लीटर की बोतल रख लो या फिर ये बैग मैं आपको रख के दिखा दूँ इसके रखने के बाद क्या होता है। तो ये बैग मैंने इसमें अच्छे से रख दिया है, इसमें काफ़ी सामान था मेरा, मैं इसको बंद करने की कोशिश करता हूँ तो हाँ बंद हो गई है, बैग रखने के बाद इसकी सीट बंद हो गई है, यानी कि इसमें आप तो या तो बैग रख लो या फिर ये रख लो। बट इससे पहले जो मैंने बर्गमैन चलाया था उसमें दोनों आ गई थी, स्पेस के मामले में मैं अभी यही कहूँगा कि बर्गमैन सबसे ठीक लगा मुझे, कि इसमें काफ़ी स्पेस था। और चलिए अब इसको ड्रोन में आपको बैटर भी दिखा देता हूँ कि इस सीट पर मुझे कितना स्पेस मिल पाता है और इसमें कितना लेग रूम है। सो अब मैं स्कूटर पर अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ चुका हूँ और मैं इसकी सीट के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका साइज मेरे जैसा है, आप थोड़े दुबले पतले से हैं तो फिर तो ठीक है, बट अगर आप थोड़े मोटे हैं या बहुत हेल्थी है तो शायद आपके लिए सीट इतनी कंफर्टेबल ना रहे। स्कूटर पर बैठे बैठे मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके जो स्विचेस वगैरह वो भी दिखा देता हूँ तो कैसे हैं। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप सबसे पहले देखेंगे इसका ये बड़ा सा स्पीडोमीटर, और ये आपको बता रहा है यहाँ पर कि इसमें फ्यूल नहीं है, फ्यूल एम्प्टी, इधर ये इसका फ्यूल गेज, यहाँ पर इसके राइट साइड में यहाँ पर ये क्लॉक भी है, और ये इसका जो मेन ऑडोमीटर वो यहाँ पे है, इधर इसका ये इंजन टेम्परेचर, और इसमें ये इधर मैं अगर बात करूँ तो ये फ्लाइट ट्रिप ऐप पे है, और बट आप ये मोड वाले बटन से इसे लैप टाइम पे ला सकते हैं कि आपकी जो रेस अगर वगैरह कर रहे हैं तो आपका मतलब पूरी रियल लाइफ में क्या टाइमिंग वगैरह है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इसका स्टार्ट, और ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ जो इसकी मेन थी वो ट्रिप एफ थी, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिव वगैरह भी है, बट वो मैं आपको एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके जो है कैसे काम करता है इसका ब्लूटूथ वगैरह और क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो मैं किसी और अलग वीडियो में किसी और दिन कवर करूँगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स की तो ये यहाँ पर दो बीम, हाई बीम, और ये पास स्विच भी इसी के अंदर है, लेफ्ट साइड राइट साइड इंडिकेटर, ऑन स्विच, इधर ये इंजन किल स्विच, उसके नीचे ये एक अच्छा सा चीज़ ये है कि इसमें ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप पार्किंग वगैरह कर रखी है या कुछ आपको दोनों साइड के इंडिकेटर दे सकते हैं तो वो आप यहाँ से इस वाले स्विच से दे सकते हैं। और ये स्विच स्कूटर्स में बहुत ही कम दिया जाता है, मैं नीचे इसका ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच, उसके नीचे एक ये छोटा सा हुक भी मिलेगा, यहाँ पर आप कोई भी अपनी छोटी मोटी चीज़ टांग सकते हैं। और चलिए अब स्कूटर को चला करके देखते हैं स्कूटर चलने में कैसा है। तो कोई भी टू व्हीलर चलाने से पहले आप हेलमेट को जरूर पहनिए। एंटोर्क को ड्राइव करते हुए सबसे पहले इसके इंजन को लेके बात कर लूँ तो एंटोर्क में आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 9 bhp की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और एंटोर्क को एक्सलेट करते हुए इस पावर का पता वाकई में चलता है। इनफैक्ट इससे पहले मैंने 125 सीसी में मेस्ट्रोइज, एक्सेस, बर्गमैन भी चला के देखा हुआ है और इन तीनों से ही इसका एक्सलेशन फास्ट है और परफॉर्मेंस और एक्सलेशन के मामले में एंटोर्क शिकायत का मौका नहीं देता है। अब बात करूँ हैंडलिंग और स्टेबिलिटी की तो वो भी ज़बरदस्त है, मैं काफ़ी जिगजैग वे में चला करके देखा, कोई दिक्कत नहीं लगी। कॉर्नर्स की बात करूँ तो टर्न लेते हुए भी स्कूटर स्टेबल होता है और जैसे कि इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है सो ये ट्रैफिक और सिटी कंडीशन में भी काफ़ी इजी टू हैंडल रहने वाला है। सस्पेंशन के मामले में फ्लैट रोड पर तो कोई दिक्कत नहीं लगी, बट जैसे कि आप जानते हैं मोटर्स एंड मोर की वीडियोज़ में सस्पेंशन का असली टेस्ट तो उबड़ खाबड़ रस्ते या फिर ग्राउंड में ही किया जाता है, सो यहाँ भी ये स्कूटर अच्छे से परफॉर्म किया और इसका सस्पेंशन से मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ।
क्योंकि इससे पहले जब मैंने मेस्ट्रो एज को इसी जगह पे चलाया था तो उसका सस्पेंशन मुझे हल्का सा हार्ड लगा था और एक्सेस और बैकबोन का थोड़ा सा सॉफ्ट लगा था, बट एंट्रो के सस्पेंशन को काफ़ी अच्छे से बैलेंस रखा गया है। ना ही ये ज़्यादा आपको हार्ड लगने वाला है और ना ही ये आपको ज़्यादा सॉफ्ट लगने वाला है। और ब्रेक टेस्ट करने के लिए वही जैसे कि बाकी स्कूटर्स का किया था, वैसे ही 60 से ऊपर की स्पीड पर ओनली रियर ब्रेक से रोका और आप देख सकते हैं व्हील लॉक नहीं हुआ है और ना ही स्कूटर अपनी लाइन से भटका है। बट ये ब्रेकिंग डिस्टेंस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, सो यहाँ मैं हल्का सा इसके रियर ब्रेक से डिसअपॉइंट भी हुआ। और TVS की अपाचे के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सो TVS के व्हीकल्स को आप दोनों ब्रेक से ही हमेशा कंट्रोल करें तो बेटर है, इनफैक्ट फ्रंट ब्रेक काम भी अच्छे से करता है। और अब काफ़ी समय तक इसी स्कूटर को चलाने के बाद अगर मैं इसके कंफर्ट और स्पेस को लेकर बात करूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच या उससे कम है और आपकी बेल्ट 34 या उससे कम है, देन ये स्कूटर आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा और लेग रूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बट अगर आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच से ज़्यादा या फिर बेल्ट 34 से ज़्यादा है, देन शायद ये स्कूटर आपको इतना कंफर्टेबल ना लगे। और अब सीधा इसी स्कूटर पर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले आपको इसके वेरिएंट्स, कलर ऑप्शंस और कीमत के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो एंटॉर्क में आपको सबसे सस्ता वेरियंट ओनली ड्रम ब्रेक के साथ मिलेगा जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 72,000 रुपये है, और दूसरे वेरियंट में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे और इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 76,000 रुपये है। और इन दोनों ही वेरियंट्स में आपको ब्लू, येलो, रेड, ग्रे, सिल्वर ये सभी कलर ऑप्शंस मिलेंगे। और अभी इसके डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में और भी कलर ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक तो ये रेस एडिशन वाला रेड एंड ब्लैक है जो मैं आपको चला करके दिखाया हूँ। इसके अलावा रेस एडिशन में आपको येलो एंड ब्लैक भी मिलेगा और इन दोनों ही रेस एडिशन की एक शोरूम की मतलब 80,000 रुपये है। और 3 कलर ऑप्शन इसमें अभी लॉन्च किए गए हैं मार्वल एडिशन के नाम से, जिसमें आपको रेड, ब्लू, पर्पल कलर के मार्वल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड बॉडी ग्राफिक्स मिलेंगे और इन तीनों की ही एक शोरूम की मतलब 82,000 रुपये है। और चलिए अब मैं आपको इस पर अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ कि मुझे स्कूटर कैसा लगा है और किस तरह के कस्टमर्स को मैं ये स्कूटर सजेस्ट कर सकता हूँ। सो पहले डिज़ाइन पे बोलूँ तो इसका डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश है और अट्रैक्टिव है, और मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इसके लाइट्स के डिज़ाइन से। फ्रंट और रियर दोनों ही लाइट्स में काफ़ी अच्छे से काम किया गया है, स्पेशली फ्रंट DRLs और रियर में भी DRLs की जैसी टेल लाइट्स इसके ओवरऑल लुक को काफ़ी इन्हेंस करती है। डिज़ाइन के बाद जो मुझे अच्छा लगा वो है इसकी परफॉर्मेंस। 1 लाख से नीचे और 125 cc सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। और इस स्कूटर को मैं एक ओवरऑल फैमिली स्कूटर की तरह तो शायद सजेस्ट ना कर पाऊँ, बट अगर आप एक स्पोर्टी और स्टाइलिश सा दिखने वाला स्कूटर ढूंढ रहे हैं जिसमें फीचर्स भी अच्छे दिए जा रहे हों और साथ ही उसका इंजन भी पावरफुल हो, देन आप इसे बिल्कुल कंसिडर करिए। और अब एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करूँ तो एक तो इसके फ्रंट मगार्ड और इसके फुटरेस्ट के नीचे के जो साइड पैनल्स हैं, जो कि डिज़ाइन के टाइम पर भी मैं बोला था कि बिल्ड क्वालिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, सो वो और बेटर दिए जा सकते हैं। दूसरा, इसके रियर ब्रेक मुझे थोड़े से कम इफेक्टिव लगे। और एक, इसकी सीट और फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए इसके लेफ्ट साइड वाले पैनल में जो की लगानी पड़ती है, अगर उसकी जगह मेन स्विच से ही वो ओपन हो रहा होता तो ज़्यादा कन्वीनिएंट होता। और कंफर्ट और स्पेस पर मैं पहले भी बोला था कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। सो अगर TVS इसके नेक्स्ट जनरेशन की कोई प्लानिंग कर रहा है, देन इस बार थोड़े टॉल और हेल्थी बंदों के लिए भी ऐसे ही स्टाइलिश और पावरफुल स्कूटर बनाए तो अच्छा रहेगा। और अगर आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरियाज हैं और TVS का एंट्रोक या कोई स्कूटर या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, देन राघव TVS पर विजिट करिए। राघव TVS का फुल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल मोटरसाइकिल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, जो हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी स्कूटर या बाइक से लेकर के, तो वो आप सीधा हमें आज सुशांत को मैंसेज करके आते हुए हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सभी कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ। और इससे पहले मैंने मेस्ट्रो एज 125 cc 110 cc दोनों को चला करके दिखाया हुआ है कि वो चलने में कैसे हैं, उनका उनमें डिफरेंसेस भी बताए हुए हैं वो कैसे हैं, और साथ ही एक्सेस 125 cc और वर्कमैन 125 स्ट्रीट को भी चला करके दिखाया। उन दोनों की, उन सभी की लिंक्स आप अपने ऊपर आई बटन से ले लीजिए और उन स्कूटर्स का भी रिव्यू आप आराम से देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में।